So guys, this one is the GoPro Hero 7 Black. So first मैं शूट करता हूँ GoPro से. GoPro की क्वालिटी देख पा रहे होंगे. वीडियो इससे ही की है, काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका भी. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस. तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ. तो गाइस थंबनेल देख ले आप लोग को मालूम पड़ गया होगा दैट आई हैव अपडेटेड माई कैमरा. जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तब से मैं फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहा था, और अभी कल मैंने कैमरा अपना अपडेट किया है. तो मैंने परचेस कर लिया है GoPro Hero 7. तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइज, ये GoPro से ही कर रहा हूँ. तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कैमरा क्वालिटी में. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने फ़ोन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ़ोन की कंडीशन को अभी. तो मेरा फ़ोन का कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है गाइज. तो ये देखिए जैनब मुझे डिस्टर्ब करना आगे बीच में. तो गाइज देखिए, ये मेरा फ़ोन का आप देख स्क्रीन देख पा रहे होंगे. ये फ़ोन का स्क्रीन फुल्ली लाइन आ चुका है इसमें. ये देखो आप लोग, लाइन आ गया. तो शुरुआत में लाइन एक ही था. जब ये लाइन आना शुरू हुआ, ये लाइन एक अपडेट दिया था मैंने फ़ोन को. तो ये जो मेरा मॉडल है ये S20 Plus है सैमसंग का. और जब मैंने एक अपडेट दिया, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया था. अपडेट देने के बाद पहला एक लाइन आया, उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और लाइन आया. अभी इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 लाइन्स आ चुके हैं, देख रहे हैं. फुल्ली फ़ोन मतलब डिस्प्ले में यूज़ कर नहीं पाता, कुछ देख नहीं पाता इसमें. तो गाइस दिस वन इज़ द GoPro Hero 7 Black. तो कैसे के अंदर केसिंग के अंदर ढाला हुआ है, और ये है GoPro का स्टिक, शॉर्ट स्टिक है ये. ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ये इतना लंबा ही होता है. और ये वीडियो मैं कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, तो आप फ़ोन की क्वालिटी भी देख पा रहे होंगे मेरी. तो 12 megapixel का लेंस है इसमें, और 4K रिकॉर्डिंग तक होता है इसमें. क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. मैं अभी दोनों की आपको मैं वीडियो करके दिखाऊंगा किसकी क्वालिटी कैसी है, तो आप लोग डिसाइड करना कैसी है. तो सो फर्स्ट मैं शूट करता हूँ GoPro से. GoPro की क्वालिटी देख पा रहे होंगे. मैं हूँ अभी छत के ऊपर, और कैमरा सेटिंग जो है वाइड एंगल में है, सुपर व्यू में. तो GoPro की ये खासियत क्या है गाइस, देखिए ये जो है फुल्ली वाइड लेता है, ये सुपर व्यू मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल लेता है. ये देख पा रहे हो कितना वाइड कवर कर रहा है ये. सो ये है GoPro की क्वालिटी कैसी है आप लोग बताइए कमेंट करके जरूर मुझे. और गाइस ये कैमरा मैंने सेकेंड हैंड लिया है, और ये मुझे पड़ा ऑलमोस्ट 13,000 का. मेमोरी कार्ड स्टिक साथ में, और ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं है ये, पर कंडीशन भी अच्छी है. तो ऑलमोस्ट मैं इसे 1 से 2 साल यूज़ करूँगा इसको, उसके बाद फिर अपग्रेड करेंगे. तो अभी के लिए यही कैमरा सही है, क्योंकि अभी बजट भी कम है थोड़ा सा. एंड दिस वन इज़ माय फ़ोन कैमरा, S20 Plus का कैमरा है. देखिए इसका भी कैमरा काफ़ी बवाल है गाइस. तो जितने भी रिकॉर्डिंग की है मैंने अभी तक, वीडियो इससे ही की है. काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका भी. क्लियरिटी देख पा रहे कैमरा में, एक तो क्लियरिटी है, बस डिस्प्ले जो प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्ले के वजह से मुझे ये लेना पड़ा. अदरवाइज मैं फ़ोन ही चलाता, फोन का कैमरा ठीक था मेरा. और अगर मैं डिस्प्ले चेंज कराऊंगा इसको, तो ऑलमोस्ट मुझे 17 to 18,000 रुपीज़ पे करना होगा, क्योंकि कंपनी मैंने ये डिस्प्ले चेंज करने के लिए मैं गुवाहाटी तक गया. उन लोगों ने बोला कि ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पर नहीं हुआ. तो उपाय नहीं है, इसके लिए मैंने ये लिया. सो गाइज आप लोगों ने देखा GoPro का कैमरा क्वालिटी मैंने दिखाया आपको, मेरे फ़ोन का कैमरा क्वालिटी भी आप लोगों को दिखाया मैंने. बस GoPro का एक खासियत क्या है, काफ़ी वाइड ये कवर करता है, रेंज टू काफ़ी वाइड एंगल लेता है ये. तो गाइज़ GoPro आ गया है अभी, और मैं जल्द ही अपना फुल ब्लॉगिंग सेटअप बना लूँगा, और आप लोगों का वीडियो मिलते रहेंगे वीडियोस. और हम बहुत जल्द राइड पे जाने वाले हैं, तो GoPro के साथ हेलमेट माउंट भी और सारा ऑल टोटल जितना भी सेटअप है जल्द से जल्द मैं कर लूँगा, और आपका वीडियो लाऊँगा आपके पास. तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए गाइज. और जब मैं जिम के वर्कआउट भी शूट करूँगा तो GoPro से शूट करूँगा अभी, तो काफ़ी अच्छा होगा. तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज. टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय.